हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया जी सर, एकदम बढ़िया। सो दिस इज आदित्य मिश्रा एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग और आपका अपना यूट्यूब एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चा, हम लोग इस चैनल पे सीएचएस की बहुत धुआंधार तरीके से तैयारी करवा रहे हैं और ऐप हम लोग अलग से ऐप पे बैच लॉन्च कर रहे हैं, कर चुके हैं। एग्जैक्टली बात करें तो हम लोग बैच लॉन्च कर चुके हैं जिसपे आपको सीएचएस की बहुत बेहतरीन तरीके से अल्ट्रा लेवल की तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन क्या होगा, श्योर होगा। ठीक, और उस पढ़ाई का आज हम एक छोटा सा नमूना आपको दिखाने वाले हैं कि अगर हम लोग अभी यहाँ पे एक छोटा सा डेमो आपको देंगे कि हम लोग कैसे पढ़ाने वाले हैं ऐप पे बैच में, जो हमारा कोर्स है हम उसमें कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का नारा ये है कि अगर सीएचएस में चाहिए सिलेक्शन, अगर सीएचएस में चाहिए सिलेक्शन तो समझना पड़ेगा विपुल सर की हथेली का रिएक्शन। सर क्या कह रहे हैं आप? विपुल सर की हथेली का रिएक्शन कैसे? रुको जरा, सबर करो, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो सर आज आप कराने के हवाले हैं बेटा, क्या है, ट्रिगो टेबल की बात आयरन मैन की हथेली के साथ। आज बाया हाथ से आयरन मैन सिविल वॉर में ऐसे मारता है ना, आज इन हथेलियों पे हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल सीखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट साइन, कॉट कॉसेक सेक की वैल्यू, ऐसे हम सीख जाएंगे सिर्फ हथेलियों पे आयरन मैन की और विपुल सर की। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, एक बार पहले आप लोग टेबल ध्यान से एक बार नजर पे बिठा लीजिए कि ये होता है टेबल। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू। अब आपको हम बेसिकली दो तीन चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तीन ट्रिक से आपको बताने वाले हैं हम, और तीनों में आपको जो अच्छा लगे, जो मजा लगे, आए, जो आसान हो आप वो अप्लाई कर दीजिएगा। चलो पहला देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, साइन की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। किसकी? साइन की। तो क्या यहां होता है 0 डिग्री, ठीक, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात। चलो अब देखो, तब क्या करो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं, साइन की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, अपॉन पहले 2 कर लो, सब में अपॉन 2। ठीक है, ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, और ऊपर सब में रूट लगा दो, बस हो गया तैयार। देखो कैसे, 0 अपॉन 2 0, √1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, √2 / √2 को क्या लिख सकते हैं, परमेयकरण, रेशनलाइजेशन से क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √2 × √2 2 और 2 × √2, ये कैंसिल आ गया 1 / √2। ठीक, ये क्या बन गया, √3 / 2। √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन 2, कट के आ गया 1। ये आ गया साइन की आपकी वैल्यू, देख लो क्या मैच कर लो, सही है। 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1 / 2, 45 की 1 / √2, √3 / 2 और 1। ठीक है, आई बात समझ में? यहां से ये एक मिनट इसको हटा दो, ये थोड़ा आपसे अपर लेवल का हो। चलो बात आई समझ में क्या? बिल्कुल समझ में आ गई है। तो ये हुआ आपका साइन का ट्रिक। अब साइन की ट्रिक अगर आपको पता लग गई है तो बाकी सब आप आराम से निकाल सकते हो, ये आपको अभी हम तीसरी ट्रिक में बताएंगे। साइन का आपको समझ में आया, बहुत बेसिक का, अपॉन में सब में 2 करो, 0, 1, 2, 3, 4 करो और ऊपर वाले में केवल रूट लगा दो, आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये रही विपुल सर की हथेली। क्या? विपुल सर की हथेली। और इसमें देख रहे हो, इसमें साफ साफ रेखा बता रही है, पहली तो बात बता रही है कि इनकी आयु बहुत लंबी है, दूसरी बात क्या बता रही है, इसमें लिखा है कि अगर बच्चे विपुल सर के बैच में जुड़ते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है, ये रेखा बता रही है, 100% बात समझ लो भाई। ठीक है, इसीलिए हम विपुल सर की हथेली को आज ऑनलाइन वायरल कर रहे हैं। चलो अब बात आते हैं इनकी हथेली पे ट्रिक कैसे सीखते हैं। इनकी हथेली का ट्रिक है एक फॉर्मूला, देखो ये क्या है, ये ऐसे बाएं हाथ की हथेली है, किसकी, लेफ्ट हैंड की। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड की हथेली की जरूरत है। ये इसके ऊपर वालों को कहते हैं अबव, अगर हम ऊपर चढ़ते हो तो होता है अबव, अबव नीचे आते हैं तो होता है बिलो। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला है फिंगर अबव
अपॉन में टू, क्या नंबर ऑफ फिंगर अबव अपॉन में टू, ठीक है। जैसे जीरो डिग्री का, साइन जीरो डिग्री का देखते हैं, ठीक है, क्या जीरो डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, एक को नहीं, यानी अंडर रूट जीरो अपॉन में टू, वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, ठीक है। साइन थर्टी डिग्री, थर्टी डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, एक, तो रूट वन अपॉन टू, यानी वन अपॉन टू, ठीक है। आगे बात करें हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 45 के ऊपर कितनी वैल्यू, कितनी उंगलियां हैं, दो, यानी रूट दो अपॉन में दो, फिर से ये वही बात हो गई, कौन सी, यहां पे देखो हमने रूट दो अपॉन दो को निकाला है, वन बाई रूट टू आ गया, कितना, वन बाई रूट टू, ठीक है। बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क, कैसे 60 के ऊपर कितनी उंगलियां है, तीन, रूट तीन बटे दो, 90 के ऊपर कितनी उंगलियां है, चार, रूट चार बटे दो, यानी एक आंसर। तो ये हुआ विपुल सर की बाई हथेली से हमने क्या किया, ट्रिक सीख लिया, ठीक है। साइन की वैल्यू तैयार, और यहां पे हमने आपको हस्तरेखा भी इनकी बता दी, क्या, एक तो इनकी उम्र लंबी है, दूसरी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है और कहीं नहीं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा। ये रहा आपका सिविल वॉर, क्या, सिविल वॉर, ठीक है। कैसे कैसे भाई, कैसे भाई, ये ऐसे है, ठीक है, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाएं हाथ की है, ये भी है लेफ्ट हैंड की, ठीक है, क्या, ये भी लेफ्ट था, ये भी लेफ्ट था। अब यहां पे हम सीखेंगे कॉस की, किसकी सीखेंगे, कॉस की। अब देखो फिर भी वही कॉन्सेप्ट, इधर अबव इधर बिलो, ठीक है, इधर अबव इधर बिलो, ठीक है। चलो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो अपॉन में टू, क्या, फिंगर्स बिलो अपॉन में टू, कैसे। अब देखो वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। चलो कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू देखो, कितने फिंगर है नीचे, चार, तो रूट चार अपॉन में दो, वैल्यू कितनी आ गई, एक। फिर कॉस थर्टी डिग्री की निकालते हैं, ठीक है, थर्टी डिग्री कितने हैं इसके नीचे, तीन, यानी रूट तीन बटे दो। अब 90 का निकालते हैं, कॉस 90 डिग्री का, 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां, जीरो, यानी जीरो अपॉन टू, यानी आ गया जीरो। ये थी आपकी कॉस की वैल्यू, ठीक है, क्या, आराम से ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड का, क्या ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड का, यहां पे भी क्या, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड का, विपुल सर की हथेली का, ठीक है। साइन और कॉस अच्छे से तैयार, आओ अब टेन पे आओ, टेन ये कॉट का है, दाहिने का आ गया है तो कॉट थीटा, ठीक है, दाहिना आया तो कॉट, बाया आया तो, देखो अगर लेफ्ट हैंड से चले तो साइन कॉस टेन, और राइट हैंड पे आ जाए तो कॉसेक कॉट और सिक, ठीक, तो ये राइट हैंड है तो हम लोग कॉट का बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक, क्या, कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर अपॉन में अंडर रूट के अंदर, फिंगर्स अबव अपॉन फिंगर्स बिलो, फिंगर्स अबव अपॉन फिंगर्स बिलो। अगर टेन का निकालेंगे तो ध्यान देना यही रहेगा सब कुछ, बस हथेली चेंज हो जाएगी, हथेली बाई हो जाएगी, ठीक है भाई, आज भाई बात आई समझ में। चलो अब देखो निकालते हैं कैसे, कॉट जीरो डिग्री का देखते हैं, कॉट जीरो डिग्री के अबव ऊपर कितनी हथेलियां हैं, ऊपर है उंगलियां हैं चार, तो रूट चार अपॉन में रूट जीरो, नीचे को नहीं है ना अंगूठे के, यानी ये हो गया दो बटे जीरो, यानी इनफाइनाइट, अगर अपॉन में जीरो आ जाए तो उसे इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। 45 का देख लेते हैं, कॉस सॉरी कॉट 45 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर अबव 45 के ऊपर कितने हैं, दो, नीचे कितने हैं, दो, कट के आ गया वन, कॉट 45 की डिग्री वैल्यू वन, ठीक है। एक और देख लेते हैं,
कॉट 60 डिग्री, क्या कॉट 60 डिग्री। अगर इसकी बात करें तो अबव नंबर ऑफ फिंगर, अबव अबव कितने हैं, इधर भाई देखो इधर वाले अबव होते हैं, इधर बिलो, ठीक है, ये होता है अबव और ये होता है बिलो, ठीक है। क्या हुआ, 60 के ऊपर कितने हैं, एक, 60 के नीचे कितने, एक दो तीन, रूट तीन यानी 1/√3, देख लो सही है, देख लो नहीं कहोगे सर जी अपने आप बता रहे हैं, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक। तो ये था कॉस कॉट का, क्यों अब बात आई समझ में कि नहीं आई, बात समझ में आई हो तो बोल दो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है यही बात। अच्छा देख लो ये लिख दे रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के लिए लेफ्ट पाम यानी दाहिनी हथेली, फिर ये कॉसेक सेक और कॉट के लिए राइट पाम, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉस का फॉर्मूला वही, साइन का वही, टेन का भी वही, ठीक है, बस हथेली चेंज होगी, ठीक है, जो कॉट का फॉर्मूला है वही टेन का भी होगा, लेकिन हथेली कौन सी होगी, कॉट की राइट है तो टेन की लेफ्ट हो जाएगी, बस बात आई समझ में, बिल्कुल सर बात समझ में आई। अब तीसरी ट्रिक समझ लो, तीसरी भी ट्रिक देख लो, वो भी आपको आसानी पड़ सकती, साइन का हमने निकालना सीख लिया, कह दो हाँ बिल्कुल सीख लिया, अब देखो साइन का देखोगे तो साइन आपको सिर्फ इतने का काम है, इसको अभी छोड़ो, ठीक है, इसको अभी छोड़ो, आपको सिर्फ इतने का काम है सीएचएस में। अब देखो साइन को ठीक पलट दो, एक को इधर ला दो तो √3/2 को इधर, ये ठीक क्या करो पलट दो तो कॉस की वैल्यू होगी, देखो जीरो की यहां जीरो थी और 90 की एक थी, पलटने के बाद इसकी 90 की एक होगी, ये जीरो वहां चला गया, √3 यहां आ गया, ये यहां चला गया, ये तो सेम, ठीक है, ये हो गया कॉस का आ गया, क्या साइन को पलट दो, साइन को पलट दो, टेन का क्या साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस कर दो, 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ठीक, 1/√2/1/√2, 1 √3/2 अपॉन में कितना है 1/2, कितना ये हो गया क्या 2√3/2, आगे कितना √3, ठीक, और ये नॉट डिफाइंड, जब अपॉन 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ये देखो हमने यहां पे बताई है, ये जो नॉट डिफाइंड वाली, ये इनफाइनाइट नहीं, ये होगा नॉट डिफाइंड, क्या नॉट डिफाइंड, ठीक है, चलो ये हो गया आपका टेन समझ में आया। अब ठीक साइन का उल्टा, जीरो का क्या होगा 1/0, इसलिए कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, 2/√3/2 का उल्टा 2/√3 यानी ये, 1 का उल्टा 1, ये तो होता ही, ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा सेक, कॉस को उल्टा कर दो सेक, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, ठीक, और सीधे टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, ये था आपका टेबल याद करने का ट्रिक। बात आई समझ में बच्चों, क्या बात समझ में आई, टेबल याद करने की ट्रिक आपको समझ में आई। अब इसी से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए उनको याद, उनको देख लेते हैं, ठीक है, आपको एक ही बार में ये ट्रिक नहीं आ जाएगी, ठीक है, आप क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे उसके बाद जब एक बार आपके दिमाग में ट्रिक घुस जाएगी आप बेहतर करने लगेंगे चीजों को, आपको कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल को, ठीक है, आप बेहतर कर जाएंगे। चलिए अभी के लिए सवाल देखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1, क्या टेन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, साइन फाई इक्वल टू 1/√2 दिया गया है। अब चलो टेन के लिए बाई हथेली उठाओ, 45 डिग्री यहां होता है ना, √2 फिंगर ऑफ फिंगर अबव
इसके अबव क्या हो जाएगा, फिंगर अबव अपॉन फिंगर बिलो, तो रूट टू अपॉन रूट टू आया कितना 1, यानी टेन 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन फाई की देखते हैं, किसकी, साइन फाई की। अब देखो साइन फाई में देखो क्या होता है, बाई हथेली दिखाओ, ठीक है, ये होता है 0 30 45। फॉर्मूला क्या है, फिंगर अबव अपॉन फिंगर अपॉन टू, तो इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, 2, यानी रूट टू बटे टू, ये आ जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू होती है 1। देखो कैसे उंगलियों पे अब आपको फॉर्म पता चल रहा है, ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ये हो गया, हमको निकालनी किसकी है, अब देखो ये टेन से टेन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आई 45, फाई की वैल्यू कितनी आई 45, निकालनी वैल्यू किसकी है, इसकी, यानी कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री प्लस फाई कितना है 45 डिग्री, ये आ गया कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री वैल्यू, बाई हथेली का ये वाला होता है 90, ठीक है 90, ये होता है क्या आएगा, फिंगर अबव, अबव कितने फिंगर है 4, रूट 4 अपॉन में क्या, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना, विलो ये हो जाएगा 0, 2/0 0, आ गया आंसर 0, ऑप्शन नंबर 4। कैसे उंगलियों पे हो रहा है देखो, अगर आपसे पूछ ले कोई बताओ साइन 60 की वैल्यू, बाई हथेली उठाओ कितना हो जाएगा, ये होता है 0 45 30 0 30 45 60, साइन 60 की वैल्यू, फिंगर अबव अपॉन फिंगर बिलो, ऊपर कितने फिंगर है 3, यानी रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, अगर पूछे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू उठाओ, ये होता है 60 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट फिंगर बिलो, कितने हैं पीछे 1 है ना, तो रूट 1 अपॉन में कितना 2, तो रूट 1/2 यानी 1/2। ठीक, ये हो गई आपकी। अगर पूछा जाए sec, sec 30 डिग्री की बताओ, तो दाहिनी हथेली उठाओ, 30 डिग्री क्या होता है, ये sec यानी cos, cos का फॉर्मूला, रूट नंबर ऑफ फिंगर बिलो, बिलो कितने फिंगर हैं, कितने हैं 3, ठीक है, तो रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 2/√3, ठीक है, cos का डायरेक्ट उल्टा कर दो, ठीक है, क्या भाई कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की हो जाएगी रूट 3/2, कॉस 30 की, से किसी का उल्टा 2/√3, बस, ठीक है भाई, बात आई समझ में, हाँ एक यहां पे ऐड कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, उल्टा फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला, यानी कॉस के लिए क्या करते थे, रूट नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2, तो से के लिए क्या करोगे 2/√ में नंबर ऑफ फिंगर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, क्या है साइन, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया भैया, 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, 10 से 10 कैंसिल, थीटा आ गया 45, 1/√2 किसका होता है साइन 45, साइन से साइन कैंसिल, 5/45, वैल्यू उसकी निकालनी, इसकी जगह हमने सिर्फ वैल्यू पुट की, कॉस 90 आया, कॉस 90 की वैल्यू 0, बात खत्म। चलो अगला देखो, साइन इतना दिया गया, कॉस ए प्लस बी कितना दिया गया है 1/√2, दोनों 1/√2, 1/2 1/2। अब चलो 1/2 साइन के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू जरा बताओ क्या होती है, बाएं हाथ की हथेली, ये 30 नंबर ऑफ फिंगर अबव कितना हो जाएगा, रूट 1/2, यानी 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और कॉस में कितना होता है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, ये आप देख सकते हैं, अब हम बार बार नहीं निकालेंगे, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या, ए माइनस बी बराबर 30, ए प्लस बी बराबर 60, दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड, बी से बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a बराबर 30 प्लस 60 90, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, ठीक है भाई, ये 2 इधर आएगा और 45 दूना 90, ए बराबर कितना आया 45, जब ए बराबर 45 आ गया, तो अब यहां से देखो आपके 2 ऑप्शन तो कट गए, क्या 2 ऑप्शन यहीं से कट गए, क्यों, क्योंकि इसमें एक की वैल्यू, ए की वैल्यू दे रहा है कितना 60, अब बचा इन दोनों में लड़ाई है,
किसमें, इन दोनों में, इस 45 की वैल्यू उठा के कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी क्या करो रख दो, यहां पे उठा के रख दो। ए प्लस बी बराबर जब 45 है क्या, और 45 की वैल्यू यहां, ए की वैल्यू क्या, ए प्लस बी बराबर है कितना 60, ए की जगह 45 प्लस बी बराबर 60, ये 45 है वह उधर जाए जब तो क्या हो जाए माइनस में, और माइनस 60 माइनस 45 15, यानी बी बराबर कितना आ जाए 15, यानी ई भी कैंसल, ई वाला ऑप्शन सही, क्या ये वाला ऑप्शन सही। ठीक, आई बात समझ में, बिल्कुल समझ में आई। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, फिर से दी गई है टेन ए की वैल्यू 1। सबसे पहले बताओ 1 किसका होता है, बार बार आपको हम नहीं बताएंगे, गिन लो, 10 45 का होता है, बीच वाली उंगली, बीच वाली उंगली 45 होती है, इधर दो कट जाएगा, इधर दो कट जाएगा, बचेगा एक। ठीक है, फिर टेन बी बराबर रूट तीन दिया गया है, रूट तीन किसकी वैल्यू है, टेन के वैल्यू में, टेन 60 की, कितने की, टेन 60 की, कैसे पता चला सर, टेन 60, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर अबव रूट में, नंबर ऑफ फिंगर बिलो, तो रूट तीन बटे रूट एक, यानी रूट तीन आ गए। ठीक है, चलो कट्टम कुट्टी मचाओ, ये और ये कैंसल आउट, बचा क्या, ए बराबर है 45 और बी बराबर है 60, वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अच्छा, इसको दो तरीके से कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है, क्या ये आपका है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का, किसका, कॉस ए प्लस बी, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, बात आई समझ में, बिल्कुल समझ में आई, तो अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो 60 45 आपको थोड़ा 100 वैल्यू ज्यादा रखना पड़ेगा। अब देखो इसका आसान तरीका, कॉस ए यानी कॉस 45, कॉस बी यानी कॉस 60 माइनस साइन ए साइन 45, साइन बी साइन 60, बस वैल्यू रख दो, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, माइनस साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, यहां पे माइनस कर लो, ये माइनस होता है ए माइनस बी। ठीक, ये कितना हो गया 1/√2 माइनस √3/√2 बराबर कितना हो जाएगा 1 √3/√2, कौन सा 1 √3/√2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था आपका क्या टेबल ट्रिक, और तीन टू प्रीवियस ईयर हमने करा दिए। सर आप प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बेटा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अब आपको एकेडमिक नहीं, आपको कंपटीशन लेवल का एग्जाम देना है, आपको टाइम दिया गया कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो आपको जल्दी जल्दी की हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप स्लो बैठे रहेंगे दिन भर का, आपके पास टाइम नहीं है, अगर हो कि दिन भर आपके पास टाइम है, आपको पेपर मिल गया करते रहोगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। सिलेक्शन उनका होता है जो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं, बात आई समझ में। तो जैसे हथेली वाली ट्रिक, ठीक, आप तुरंत हथौलियों पे सब नंबर काउंटिंग कर लोगे, तो ऐसा होता है। आपको फिर से हम बता दें, बैच आपकी स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिन में, बहुत ही जल्द सीएचएस की। अगर आपको इसी तरह बेहतर पढ़ाई करनी है और सीएचएस में सिलेक्शन को श्योर होना है, तो बिल्कुल बैच में एनरोल लीजिए, हमारा कोर्स लीजिए और मजे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। अगर इसी तरह की बेहतरीन आपको पढ़ाई करनी है तो, और हम आपको गारंटी दिलाते हैं, अगर आप हमारे कथानुसार चलते हैं, हमारे कहे अनुसार जितना हम काम बोलते हैं आपको उतना करते हैं, पूरे साल भर जितने भी टाइम बचा है आपका सिलेक्शन हम लिख के देंगे पक्का, 100% श्योरिटी। क्या 100% श्योरिटी, हाँ, लेकिन कब, जब आप ईमानदारी से जितना हम बोलेंगे उतना आप करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं कह रहा होगा, लेकिन हम 100% श्योरिटी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो बस बच्चा फिर से हम ये कहेंगे, जल्दी से स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड करिए और बैच में इनरोल होइए और मजे से सीएचएस की तैयारी को अपनी पुख्ता कीजिए और सिलेक्शन को एकदम श्योर कीजिए। चलते हैं अभी के लिए, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार आप सभी को।